क्या आपने कभी टाइम ट्रेवल किया है? चलो आज मैं आपको करवाता हूँ। वेल, विंडोज़ का जो सिस्टम रीस्टोर पॉइंट है वो कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। मान लो कल तक आप अपना विंडोज़ 10 जो है सही चला रहे थे और आज आपने बिना जाने क्या किया, कोई अनट्रस्टी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाल दिया आपने विंडोज़ 10 में, या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया जिससे कि आपके विंडोज़ में ऐसे मैलवेयर घुस गया, और अभी आप जब विंडोज़ स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे कुछ वेब पेज खुल जाते हैं या फिर कुछ और खुल जाता है, होता रहता है ना, या फिर वायरस अफेक्टेड हो जाता है, मतलब कि कुछ भी होता रहता है, या फिर आपने मतलब ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो कि आपके विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल्स है उसके साथ छेड़छाड़ कर लिया, तो उसके बाद आपका विंडोज़ जो है अनस्टेबल हो गया या फिर क्रैश करने लग जाता है, या फिर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप किसी तरीके से आपने जो लास्ट वाला गलती किया था अपने विंडोज 10 में उसको अनडू किया जाता। तो यही सिचुएशन में हमारा काम आता है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। सो गाइस, माय नेम इज विशाल हियर एंड यू वाचिंग माइनर टेक्स। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले विंडोज 10 का सिस्टम रीस्टोर पॉइंट के बारे में, कैसे आप इसका फायदा ले सकते हो और अपने विंडोज़ को जो है सिक्योर कर सकते हो, सिक्योर नहीं मैं बोलूँगा सेफ्टी में रख सकते हो, मतलब कि कुछ हो जाता है तो यू कैन डू यू नो अनडू योर थिंग्स एंड विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका बिल्कुल पहले की तरह आ जाएगा एंड इट्स लाइक टाइम ट्रैवलिंग। आप आज गलती किए और फिर टाइम मशीन में वापस चले गए और फिर उसको ठीक ठाक कर लिया, या फिर मतलब वो गलती किया ही नहीं और आपका पीसी जो ऑलमोस्ट सेम टू सेम पहले की तरह रह रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत सारे लोग कवर नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कवर कर देता हूँ और आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ट्रस्ट मी। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे कोई गलती कर देते हो अपने विंडोज़ पीसी के ऊपर, जैसे कि आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो या फिर कुछ भी गलती कर देते हो या फिर आपने कोई सिस्टम फाइल डिलीट कर देते हो, तो उसके बाद आपका विंडोज़ क्रैश करने लग जाता है, या फिर आपने मतलब आपका विंडोज़ क्रैश भी करता रहता है और आपका विंडोज़ ओपन नहीं हो रहा है या फिर टर्न ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ का एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने से क्या होता है कि जैसे कि आपका पीसी आज एकदम सही चल रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आप अपने पीसी को बिल्कुल इसी तरीके से देखना चाहते हो पूरा ज़िंदगी भर, ऐसे आप देखना चाहते हो, मतलब कि कोई आपको मतलब प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो जिस टाइम आपका पीसी एकदम सही चल रहा है उस टाइम आप यहाँ पे एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सर्च बार में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिस्टोर पॉइंट, तो उसके बाद ये एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट रिस्टोर पॉइंट नाम से, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का टैब खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारा ड्राइव दिख रहा है, सी ड्राइव को ढूंढ के निकालना है जो कि आपका सिस्टम ड्राइव है, और वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप वहाँ पे आपका प्रोटेक्शन जो है ऑन है कि नहीं। वहाँ पे अगर आपका प्रोटेक्शन ऑन रहता है तो बढ़िया बात है, आप मतलब यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपका प्रोटेक्शन ऑन नहीं है तो यहाँ पे आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगर में क्लिक करके यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करते टाइम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कितना जीबी का आप रिस्टोर पॉइंट के लिए जगह रखना चाहते हो, 5 GB, 6 GB, बेसिकली यहाँ पे डिफॉल्टली यहाँ पे आपको 5.7 GB का यहाँ पे आपको डिफॉल्ट यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है रिस्टोर पॉइंट के लिए। एक बार आपने उसको इनेबल कर दिया या फिर इनेबल है तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो अपने रिस्टोर पॉइंट का, कि मतलब आज का डेट दे सकते हो या फिर अपना कोई कस्टम नेम डाल सकते हो। डालने के बाद यहाँ पे आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका जो रिस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार आपने सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लिया जब आपका पीसी सही चल रहा था, उसके बाद अगर आप मतलब कोई गलती करते हो अपने विंडोज़ में, जैसे कि कोई उल्टा फुल्टा सॉफ्टवेयर डाल देते हो या फिर कोई सिस्टम फाइल डिलीट कर देते हो, तो दोज विल नॉट अफेक्ट। ऐसा अगर होता है तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे सेम वही विंडोज़ में जाके यहाँ पे आप सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप मतलब कौन सा जो रिस्टोर पॉइंट है वो आप यहाँ पे रिस्टोर करना चाहते हो, तो आपको अपना वाला जो अपने आपने जो रिस्टोर पॉइंट सेलेक्ट किया है मतलब क्रिएट किया था उसको आपको सेलेक्ट करना है और सिंपली रिस्टोर करना है। तो उससे क्या होगा, मान लो यहाँ पे अगर आप कोई उल्टा पुल्टा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, जो भी आपने सिस्टम में चेंज किया था वो पूरा पूरी डिलीट हो जाएगा, जिससे कि आपका विंडोज़ जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा जिस जब आपने मतलब उस पोजीशन में चला जाएगा जिस पोजीशन में आपने जो है इसका एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था। तो मान लो यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए या फिर आप कोई विंडोज़ में छेड़छाड़ किए, वो सारे जो है बिल्कुल अंडो हो जाएगा और आपका विंडोज़ बिल्कुल एकदम स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा जब आपने उसको क्रिएट किया था। तो काफ़ी हैंडी फीचर है विंडोज़ 10 यूज़र्स के लिए अपने जो मिस्टेक्स है उसको अंडो करने के लिए और अपने विंडोज़ 10 को जो है सही तरीके से चलाने के लिए। सो इतना ही था गाइस आज के वीडियो के लिए, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है एंड ऑल्सो समझ में आया है, एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद एक्चुअली में पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, कॉमेंट करके बता सकते हो कैसे लगा, या फिर आपका कोई क्वेश्चन और क्वेरीज है तो आप मेरे को बता सकते हो, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।